जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। फोन भी नहीं लग रहा है, मोबाइल से देखती हूँ। मोबाइल भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग। वेट कर करके सब लोग निकल गए, हम लोग भी बैंक्वेट हॉल से आ गए, लेकिन इन लोगों का कुछ पता नहीं। अच्छी खासी पार्टी शुरू हुई थी, बस केक कटने ही वाला था और ये लोग निकल गए। फोन को क्या हुआ? विक्की, विक्की। जी मम्मी। बेटा कुछ पता चला? नहीं, काम्या भाभी की मम्मी और उनके जीव दोनों फोन लगा रहे हैं, लेकिन सबके फोन बंद आ रहे हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ है ये लोग। माता रानी सब ठीक करे। मम्मी मम्मी आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बैठिए, अभी किसी का फोन आता होगा। जैसे कुछ पता चले ना मुझे बता देना। जी समझ गया। जी मम्मी। मैं देखती हूँ। माता रानी मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं सब कहाँ चले गए। नहीं मम्मी, ना डैडी फोन उठा रहे हैं ना ही पापा जी। मैं भी काम्या को फोन लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। बहुत टेंशन हो रही है, मनीष और काम्या बीच पार्टी में से निकल गए थे और बाकी सब उनके पीछे पीछे, कहाँ क्यों? पर फोन तो करना चाहिए ना, सबके पास फोन है ना, उठा रहे और ना कर रहे। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? वेट वेट, हेलो डैडी, कहाँ हैं आप? क्या पर ये सब कैसे? ओके ठीक है, आप आ जाइए, वी आर वेटिंग फॉर यू। क्या हुआ? डिवोर्स, डिवोर्स हो गया। किसका? अरे बोलिए भी। काम्या और मनीष का। What? क्या? Is it possible? क्यों यार? क्यों? No, no, no. ये नहीं हो सकता। किसने बताया तुम्हें? कौन था फोन पे? डैडी थे फोन पे, कोर्ट में ही थे। उन्होंने कहा कि अभी जजमेंट हुआ है, वो आ ही रहे हैं। मनीष की मम्मी को बता दें? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। काम्या, क्या चल रहा था इसकी लाइफ में? कम से कम मुझे तो बता देती काम्या। सबकी रक्षा करता। विवेक, कुछ पता चला? हाँ, सब लोग आ गए मम्मी। सब आ गए? हाँ, पापा जी, कपूर अंकल और दादी सब आ गए। तेरे पापा कहाँ हैं? पापा रूम में हैं, चेंज कर रहे हैं। कमाल करते हैं।
क्या तरीका है? कहाँ थे आप लोग? पता है ना आज मनीष और काम्या की सालगिरह है शादी की। अरे बोलो ना कुछ, कहाँ थे? पहले वो दोनों चले गए, फिर आप सब लोग निकल गए। अरे बैंक्वेट हॉल में लोग आ के जा रहे थे, लेकिन आप लोग का कुछ पता ही नहीं। कहाँ थे आप लोग? अरे कहाँ थे आप लोग बताओ ना। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ थे आप लोग? कोर्ट। कोर्ट? कोर्ट क्यों गए थे? ये क्या बोल रही है? अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ इसे? हाँ क्या हुआ? कोर्ट की क्या बात हुई? बोलो ना कुछ तो। काम्या और मनीष। मनीषा काम्या? क्या हुआ मनीषा काम्या को? हाँ क्या हुआ मनीषा काम्या को बताओ ना, कहाँ है वो दोनों? अंदर अपने कमरे में। ये कैसा फैसला है कोर्ट का? I was not expecting this. मैं भी नहीं। सबको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सब लोगों को तो मैनेज करना पड़ेगा, स्पेशली मम्मी को। मनीष, काम्या, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हारे पापा का बहु उतरा हुआ है और वहां सुची रो रही है। कोर्ट क्यों गए थे तुम लोग? बताओ, कोई मुझे कुछ बताएगा क्या हुआ? हम लोगों ने डिवोर्स लिया है। डिवोर्स? मतलब? मतलब हम दोनों अब अलग हो गए हैं। तलाक लिया है हम दोनों। तलाक? तलाक? मम आप शांत हो जाइए। आप नहीं, मुझे बताओ ये सब क्या है? हाँ हमारे घर में ऐसा नहीं होता। बोलो बोलो, किसकी गलती है? हाँ किसकी वजह से हो रहा है ये सब? किसी की वजह से नहीं हुआ है मामा। दरअसल ये मेरा और काम्या का जॉइंट डिसीजन है। अरे ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? हाँ तुम दोनों का तलाक कैसे हो सकता है? क्या हुआ बोल मनीष, बता मुझे। अरे दीदे का पानी सूख गया इसका। जब जब बहार आए, जब जब बहार आए। क्या हुआ बोल मनीष, बता मुझे। अरे दीदे का पानी सूख गया इसका। हाँ और तुम चलो यहाँ से। आप चुप करिए, मैं बात करती हूँ इससे। बता मनीष ये सब क्या है? हाँ मुझे समझाओ, समझा मुझे क्या हुआ। आप सुन रहे हैं ये क्या बोल रहा है? सुन रहा हूं और अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। चलो तुम यहां से। नहीं कहां गया बेटा, किसी ने कुछ कहा तुझसे? मनीष ने कुछ कहा? अगर इसने कुछ कहा है ना तो मैं छड़ी से इसकी खबर लूंगी। अरे बचपन में गलतियां करता था तो चांटे लगाती थी मैं इसे, अब नहीं लगा सकती क्या? बोल बेटा, बोल ये सब कुछ झूठ है? बोला बेटा बोल, बोल ये सब झूठ है। ये क्या हो गया उन दोनों को? अरे कम से कम हमसे इस बारे में बात तो की होती। कहते हैं कि एक छत के नीचे 9 साल रहते रहते हम बोर हो गए हैं। What? होता है डैड, कोई भी दो इंसान एक दूसरे से बोर हो सकते हैं। फिर पति पत्नी क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ इस बात को लेकर उसने कभी तुमसे डिस्कस किया था? नो नेवर, कभी नहीं। और वैसे भी आजकल लोग अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं। दोनों बड़े हैं, समझदार हैं, एडल्ट हैं। हाँ और तलाक भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है, नहीं? अच्छा
तुम लोग इस बात को सपोर्ट कर रहे हो। What are you talking? हम क्यों सपोर्ट करेंगे? लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ कि मेरी कामिया कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं कर सकती। क्या कामिया मेरी कुछ नहीं लगती? चिंटू, माधवी, वहां बाहर बैठे इतने सारे लोग, वो हमारे कुछ नहीं लगते? अरे आज इनकी सालगिरह है और आप समझाइए ना इन्हें। अरे नहीं कविता, समझाने की उम्र नहीं है, बहुत बड़े हो गए और शायद हमसे ज्यादा सियाने भी हो गए। अब हमारा शायद मेंटल लेवल मैच नहीं करता इनसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिता है इसके सिर्फ नाम का, और तुम भी माँ हो सिर्फ रिश्ते की। और वैसे भी इनका मानना है कि रिश्ते निभाने का वक्त नहीं इनके पास। क्यों काम है? और हम सारी जिंदगी रिश्ते समेटने में ही लगे रहे। एहसास करवा दिया तुमने हमें कि फेल हो गए। शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी थी, हम लोग हार गए। रिश्ता वो क्यों बनाया जिसे तोड़ ही था देना, वादा किया था फिर क्यों जब ना था संग रहना। ओ, खामोश है ये नजरें, आंसू के बहते धारे। जब जब बहार आई, जब जब बहार आई। ये हो कैसे सकता है? आई एम वेरी शॉक्ड कि कामया भाभी और मनीष भैया अलग हो सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। दीदी और जीजू कभी अलग नहीं हो सकते, दे आर मेड फॉर ईच अदर। वो लोग एक दूसरे के लिए तो बने हैं। ऐसे ही शुरू होता है, पहले मेड फॉर ईच अदर और फिर हेट फॉर ईच अदर। और ये मनीष और कामया की जिंदगी है, लेट देम हैंडल, उन्हें जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। उनकी जिंदगी सबकी जिंदगियों के साथ जुड़ी हुई है। हमने तो जब भी उन्हें देखा खुश देखा। अभी परसों उनके फ्लैट पे गए थे, कितने शांत नजर आ रहे थे, एकदम हार्मनी थी। हमने तो उनके साथ खाना भी खाया था, हमें तो सब खुश नजर आ रहे थे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि डाइवोर्स अगर उन दोनों के बीच किसी अनबन को लेकर हुआ है तो मेरी बेटी कामिया की गलती बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर गलती किसी की है तो सिर्फ मनीष की है। अब मेरी बेटी सारी फैमिली को साथ में लेकर चलने वाली है, अरे कितना टॉलरेट किया है उसने भाई। ये तुम्हारी एक तरफा सोच है, सच क्या है ना तुम जानती हो ना मैं। अगर जानते होते तो ये नौबत नहीं आती। अरे ये तो गनीमत है कि कोर्ट ने 6 महीने की मोहलत दी है। 6 महीने किस लिए? जज ने अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन फिर वो कोर्ट में लौटी और 6 महीने तक काम्या और मनीष को माधवी और चिंटू के मम्मी पापा बन के रहना पड़ा। बैड, टू बैड। अब ये क्या बात है, अलग भी कर दिया और साथ भी रहने को कह दिया। कैसे रहेंगे वो लोग? ये तो टॉर्चर हो गया ना। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। It's not fair. मैं नहीं मानता, कोर्ट ने 6 महीने की राहत दी है। मेरे ख्याल से अब अपना ख्याल व्याल अपने पास ही रखो, जो होना था वो हो चुका है। अगर हमारे तुम्हारे बस में होता तो शायद हम कुछ कर पाते, कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। वैसे भी आजकल रिश्ते निभाने के लिए टाइम किसके पास है? 8 साल तक एक पति पत्नी एक ही छत के नीचे साथ में कैसे रह सकते हैं? ये तलाक एक जहरीला नाल है। लेकिन लॉ का ये मानना है कि ये दोनों अपने फैसले अपने बच्चों पर नहीं थोप सकते।
कोई तो रास्ता निकालिए ना आप। देखिए मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे मुझे तो उन बच्चों का ख्याल आता है। एक उम्मीद है, कोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि 6 महीने तक इन्हें माधवी और चिंटू के मम्मी पापा बन के रहना पड़ेगा। और जिद नहीं है, मेरा फैसला है। बचपन से लेके आज तक आपने मेरे हर फैसले में साथ दिया है ना। तो फिर आज बेटा हमें एक सवाल का जवाब दे दे। मैं समझता हूं, लेकिन आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करता हूं। कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, आपके हर सवाल का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। बेटा हमें तो अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो सवाल तेरे लिए पैदा होंगे उनका जवाब देते देते तू थक जाएगा। पता है तुझे, जब तू छोटा सा था और जिद किया करता था, अगर मैं तेरी जिद पूरी नहीं करता था तो तेरी मां तेरी जिद पूरी करती थी। अगर तेरी मां तेरी जिद पूरी नहीं करती थी तो मैं जिद पूरी करता था। इसी तरह जब माधवी और चिंटू तुमसे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास। लेकिन याद रखना, यही सवाल तुम्हें और कामया को अंधेरों के सिवाय और कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। अभी भी वक्त है, इन सवालों से बचने के लिए तुम हमारे एक सवाल का जवाब दे दो बस। मेरा और कामया का फैसला ही आप लोगों के सवाल का जवाब है। माधवी और चिंटू को कल स्कूल जाना है। मुझे निकलना होगा। तुझे जाना है तो जा। चिंटू और माधवी कहीं नहीं जाएंगे। जब जब बहार आए, जब जब बहार आए। तुझे जाना है तो जा। चिंटू और माधवी कहीं नहीं जाएंगे। जब उसने अपना फैसला सुना ही दिया है तो तुम किस हक से उन बच्चों की बात कर रही हो? दादी हूं मैं उनकी, पोता पोती है वो मेरे। मेरा खून दौड़ रहा है उनकी रगों में। जब इसने ही अपनी रगे जहरीली कर ली है तो किस खून की दुहाई दे रही हो तुम? देखिए मैं फिर से कहती हूँ, एक बार तो कोशिश करके देखिए ना, शायद मान जाए वो। रहने दो कविता, रहने दो। मेरी बात सुनते क्यों नहीं? आप चलिए, आप चलिए मेरे साथ, देखते हैं ना। क्या आशीर्वाद दूं? सदा सुहागन रहो, जोड़ी सलामत रहे। ये नहीं, तलाक के बाद जिंदगी मौज में गुजरे तुम्हारी।
खुश रहे तू, मेरा मतलब तुम दोनों। दादी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जैसे पहले था सब कुछ ठीक, वैसे ही हो जाएगा। मनीष तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। अच्छा भाई साहब आप समझाओ ना इन्हें, ये जो कर रहे हैं गलत है। बहन जी आप तो पढ़ी लिखी है ना, समझाइए ना इन्हें। मैं तो खुद ही शॉक्ड हूँ कविता जी, क्या कहूँ, मुझे भी कोई बहुत अच्छा थोड़ी ना लग रहा है। अब आप ही सोचिए, हमें तो इन दोनों ने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। आई एम तो वेरी अपसेट जी, अब क्या किया जाए, कोई फोर्स तो कर नहीं सकता इन्हें। दोनों के बीच अगर कोई अनबन रही होगी, कोई झगड़ा हुआ होगा तो। नहीं नहीं इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। आपको कभी कहा इन्होंने कि हमारा झगड़ा हुआ है? मॉम प्लीज संभालिए अपने आप को और इस नई सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख लीजिए, करना ही पड़ेगा। कर लेंगे बेटा, कर लेंगे। नहीं कुछ नहीं जानती मैं, कोई कहीं नहीं जाएगा। चिंटू माधवी तुम सब मेरी नजरों के सामने रहोगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बच्चों को कल स्कूल जाना है और हम दोनों को ऑफिस, चले। जिसे जाना है यहां से जाएगा, उस फ्लैट में तुम लोग नहीं जाओगे। मनु उस फ्लैट है, तुम दोनों को अलग कर दिया उस फ्लैट। कहा था आपसे मत भेजो इन्हें अलग, लेकिन नहीं, मैंने इंडिपेंडेंट होके अपना फ्लैट बनाया है, ये भी बनाएगा। देख लिया इंडिपेंडेंट होने का नतीजा, कोई कहीं नहीं जाएगा। चिंटू तुम सब यही रहो, हाँ यही रहो। बेटा तुमने तो एक चुनौती रख दी इन रिश्तों के सामने। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैं निकलना हूं। नहीं कामया रुक जाओ कामया। जीवन का ये सफर तो लहरों के है हवाले, रिश्तों की नाव डूबे संभले नहीं संभाले। कभी